राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है अभिषेक मनु सिंघवी के ओम को लेकर दिए बयान पर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं हमारे साथ, मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं उलमा काउंसिल के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य को आना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर। आचार्य, बड़ा दुखद है जिस प्रकार का बयान राजनीतिक पृथ्वीकरण के लिए हर चीज के अंदर दिया जा रहा है। इसको समझना चाहिए कि योग एक विज्ञान है और एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और उसको अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल कि योग कोई आज का तो है नहीं, जो मोदी जी ने पूरे विश्व में पहुंचाया है वो बड़ा उनका श्रेय का पात्र है, परंतु आज से करीब करीब 40 साल पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी योग सिखाते थे शायद इंदिरा गांधी जी को और पूरे गांधी परिवार को, और उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जी को ये याद होना चाहिए कि उन्होंने शायद कोई और शब्द का नहीं ओम का उच्चारण करते हुए उनको योग सिखाया होगा। तो किस प्रकार का व्यंगात्मक बयान देकर ये योग जैसे सब्जेक्ट को भी किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये मतलब किस प्रकार का बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ओम को जो इंटरप्रिटेशन समझते ही नहीं है, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया, उसकी वाइब्रेशन को स्वीकार किया। ओम एक यूनिवर्सल वॉयस है, अनहद नाद है, अनंत नाद है, प्रकृति का दत्त है, प्रकृति में संपूर्ण रूप से हो रहा है। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम को भारतीय संस्कृति ने उसकी महत्ता समझते हुए अपनाया और उसको समझा। ठीक है, मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, कि आपको लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने अपने बयान से एक तरीके से अपमान किया है सनातन संस्कृति का, ओम को लेकर जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, ओम सिंघवी ने अपमान किया है तो वो अपने धर्म का अपमान किया है। वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है। इस बिल्कुल मिल रही, बिल्कुल मिल रही। जी हाँ। देखिए, अगर मनु सिंघवी ने अपमान किया है तो अपने धर्म का अपमान किया है, वो तो मुसलमान है नहीं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि भाजपा जिस तरह से योगा को एक धर्म विशेष के लिए प्रमोट कर रही है वो गलत है। मैं कहता हूँ योगा से अगर तमाम बीमारी खत्म होगी, तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी, तो लाखों करोड़ों की रामदेव की दवाइयां क्यों? कैसे रामदेव का संयम है? आचार्य जी, आचार्य जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। सुन लीजिए पहले, फिर आप ही जवाब दीजिए। ये बात हो सब पर थोपना, योगा पर सब पर लादना, ये गलत है। योगा आप करिए मगर देश में बहुत कुछ है। पहले सुन ले, आप सुनने की क्षमता रखिए ना, आप बोल रहे हैं। अगर आप ही बोलेंगे तो मैं क्यों? सुनने की क्षमता तो आपसे बढ़िया है। योगा को जिस तरह से भाजपा धर्म का दर्जा दे रही है, क्या ये रामदेव का योगा से अगर सभी लोग ठीक हो रहे हैं तो करोड़ों रुपया की रामदेव दवाइयां क्यों बेच रहे हैं? देश में कुश्ती है, देश में कबड्डी है, इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या रामदेव जनक है? ये सिर्फ भाजपा का षड्यंत्र है। सर, होने वाला नहीं। नदीमुद्दीन जी, मुझे तो नहीं मालूम कि योगा करने से तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर योगा करने से बीमारियां खत्म होगी, मतलब एक तो आप योग की बात कर रहे हैं और फिर आप उसकी तुलना जो है वो खेलों से कर रहे हैं। मतलब आप तुलना क्या कर रहे हैं सर? रुकिए एक मिनट। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद है। विक्रमादित्य जी, मतलब वो कह रहे हैं कि योग को प्रमोट कर रहे हैं तो कबड्डी को क्यों छोड़ रहे हैं आप, कुश्ती को क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब नदीमुद्दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रही हूं, आप अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज बताइए। देखिए, नवाने जी ने शुरू किया था, नदीमुद्दीन जी शुरू किया था कि अब नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को योग करने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से शुरू हुए थे और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए, उसके बाद रामदेव पहुंच गए, कहाँ कोई करने नहीं दे रहा, कहाँ कोई पता कर रहा है। अरे नदीमुद्दीन जी सुनिए तो सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आप आइएगा। पहले तो आप खुद ही कह रहे थे कि एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं योगा को, फिर आप खुद ही कहने लगे मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ योग पर। अब सुन तो लीजिए ना, आप आचार्य विक्रमादित्य को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। सर, आइए आचार्य विक्रमादित्य। देखिए नदीमुद्दीन जी, योग तो पूरे विश्व ने अपना लिया है, जिस प्रकार से WHO ने और UN ने एक रिकॉग्निशन दिया इंटरनेशनल योगा डे पे। अरे सऊदी अरब के लोग भी योग कर रहे हैं, वहां के शेख योग कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ओम का उच्चारण करते हुए कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो राधे श्याम सीताराम भी कर रहे हैं, परंतु यहाँ के जो अध कचरे है लोग है ना, कि जो आप जैसे लोग जिनको बरगला देते हैं, उनके दिमाग में बेकार का परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। किसी मुसलमान को, खुले हुए दिमाग के मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी शब्द, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अल्लाह से हजूर का नाम लेने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल इस बात पर, लेकिन
क्यों आप लोगों ने जबरदस्ती इस देश के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रखा है? आप लोग सीधे साधे मुसलमानों के अंदर जिस प्रकार की प्रोवोकेशन करते हैं जबरदस्ती राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ये उसका नतीजा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार आपको हवा देती रहती है और आप लोग उसी हवा में बहते रहते हैं, ये वास्तविक समझे? योग सबका है भाई, मानव जीवन का है, जीवन को उत्कृष्ट कराने की पद्धति है। आप चाहो तो कर लो, नहीं तो गोली खाते जाओ। आप भी कोशिश करो, गोली से बचना चाहते हो तो योग अपना लो, आपको लाभ प्राप्त होगा। उसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है नदीमुद्दीन जी, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और सवाल ये कि योग में हिंदू मुसलमान क्यों तलाशना? मैं कहता हूं कि योग करना क्यों जरूरी है? आप करिए, मैं नहीं करता। मैं कबड्डी खेलता हूं, मैं कुश्ती खेलता हूं, योगा से तमाम बीमारियां खत्म होगी। तो फिर लाखों करोड़ों की रामदेव की दवाइयां क्यों? क्या रामदेव जो योगा के जनक थे, रामदेव से पहले योगा नहीं था? योगा 5000 साल से बहुत सारे लोगों ने योगा किया है। मैं देखता हूं कि रोज योग करते हैं भाई, विश्वास नहीं है? मैं नहीं करता योगा, आप तो रोज योग करते हो। मैं कुश्ती खेलता हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो देखता हूँ कि आप रोज करते हो। मैं करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं कुश्ती करूंगा, ये मेरी मर्जी है। पांच बार नमाज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? आप धोते क्यों? पांच बार नमाज पढ़ते हो? मैं यूं नहीं। अरे नदीमुद्दीन जी, पांच बार नमाज पढ़ते हो? चलिए, इस संकीर्ण मानसिकता का, इस संकीर्ण मानसिकता का कोई हल नहीं हो सकता है। मेरी समझ से परे कि आखिरकार योग में हिंदू मुसलमान क्यों तलाश रहे हैं? सर, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।